देखा कि इनका जो मुकाम यहाँ पर पहुँचाने का इनके दादाजी का और इनके पापा जी का अहम योगदान है और साथ साथ इनका अपना स्वभाव है और जिसके द्वारा आज इस मुकाम तक यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका नाम का डंका जिला में निश्चित रूप से बजता है और खास करके युवाओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्नेह और प्यार रहता है। आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। अभी मैं बिहार के शिवहर जिला में मौजूद हूँ और शिवहर जिला के घनकौल पंचायत में मौजूद हूँ। आखिर आप तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आपने जरूर सोचते होइएगा, आखिर क्या बात है जब लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आने वाला है, उसके बावजूद भी मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे फ्रेम में जो ये शख्सियत जो दिखाई दे रहे हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चेहरे का मोहताज, इनको जानने पहचानने वाले बहुत सारे लोग हैं। और आज मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ ये घनकौल पंचायत में, इसको लेकर के मैं आप तमाम दर्शकों से निश्चित रूप से रूबरू होना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि घनकौल पंचायत का विकास कैसे, कब तक और कहाँ तक। अभी तक जो यहाँ पर लोग विकास के बारे में बात करते हैं कि शिवहर जिला विकास से काफ़ी परे है, काफ़ी दूर है, जो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें सारे लोग इस बात को जानते हैं, या लोकसभा हो, विधानसभा हो, या किसी भी प्रकार की विकास के मुद्दे हो, इस पर लोग निश्चित रूप से सोचते हैं। लेकिन मैं आज वह निश्चित रूप से मैं तमाम दर्शकों को, देश दुनिया को यह दिखाना चाहता हूँ कि ये जो शिवहर जिला का घनकौल पंचायत है वह किस प्रकार से सुदृढ़ है, कैसे है। और मैं जिस जगह पर अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं घनकौल पंचायत के पंचायत भवन में मौजूद हूँ और हमारे बीच से जो शख्सियत हैं यह मुखिया प्रतिनिधि जो कि श्रीमती ललिता देवी यहाँ की मुखिया है और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संजीव कुमार, हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको हमारे ट्रू फैक्ट न्यूज़ के चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पंचायत में हमसे मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जानने वाले और सुनने वाले सभी लोगों को। किस प्रकार से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पहले जो आप जब प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे उस समय यह घनकौल पंचायत कैसे सुदृढ़ था और अभी कैसे है, इसके बारे में आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएंगे। धन्यवाद आप पंकज जी। अभी भी पंचायत में जो विकास का मुद्दा है वो हम लोग उठाते रहते हैं जिला स्तर पर और अपने पंचायत में जो भी सरकार हम लोगों को राशि जो देती है हर वित्तीय वर्ष में उस राशि का अनुरूप हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। और साथ ही घनकौल पंचायत की जहाँ तक बात है तो अभी विकास के और एकदम अग्रसर है और हम लोग जो भी सरकार अभी मनरेगा स्तर से या पंजाब आयोग से या कमी टाइप से जो भी राशि हम लोग को मुहैया कराती है उसको लोग यहाँ पर लाने का काम करते हैं। 11, 12 और 13, 14 में सरकार जो स्ट्रीट लाइट में लगवा रही है उसको हम लोगों ने काम किया है। स्वच्छता के द्वारा जो कार्य किया गया है, सरकार का जो काम जो योजना है उसको भी हम लोग शुरू किए हुए हैं और अभी कुछ डिले चल रहा है उसमें, हल्का सा कुछ स्टाफ लोगों का कमी हो गया है उसमें स्वच्छता कर्मी का, तो थोड़ा सा कुछ वार्ड में काम नहीं चल पा रही है, फिर उसको हम सजीव करने के लिए संकल्पित है। अच्छा, आपके पंचायत में जिस प्रकार से विकास की जहाँ तक बातें होती हैं, जैसे बकरी सेट हो गया, स्वच्छता हो गया और उसके बाद में सरकार जिस प्रकार से जैसे जैसे आपको मुहैया कराती है, क्या इस सब के बारे में आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। अभी स्वच्छता हम 250 पीस अपने पंचायत में स्वच्छता बनाए हैं, पूरे पंचायत में 14 वार्ड हमारा है, इसमें 1-2 वार्ड छूटा हुआ है जिसमें नाली का सुविधा था तो वहाँ पर हम लोग कम स्वच्छता बनाए हैं। पूरे पंचायत में 14 वार्ड में 250 स्वच्छता बनाए हैं और अभी 32 सेट का 21 को जीविका के द्वारा हम लोगों को मुहैया कराई गई है। मनरेगा के थ्रू मिट्टी का कार्य जो है बंद हो चुका है, गरीब जो हमारे अनुसूचित जनजाति के और पिछले वर्ग के लोग हैं वहाँ पे हम मिट्टीकरण करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार का भी आदेश नहीं है। हाँ, कुछ वालों में हम लोग लिए हुए हैं, जैसे अति पिछड़ा अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए हम लोग अभी फेवर ब्लॉक का जो वर्ग होता है उनसे मोहल्ला अभी हम 7 वर्ग में करवाया है पूरे मोहल्ला में,
बाकी कुछ वार्ड है, हमारा 2 वार्ड है और 1 वार्ड है, 14 वार्ड है और 9 वार्ड है, ऐसे करके कुछ वार्ड है, 11 भी है उसमें, तो वहाँ भी हम लोग बहुत जल्द तो आचार संहिता लगने वाला है, तो सारे स्टाफ लोग पूरा व्यस्त है सरकार के कारण, इसके कारण कुछ एस्टिमेट नहीं बन पा रहा है, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। और बाकी पंचायत का 15 दिन आयोग से जो योजना है तो अभी जस्ट जो है नाली जो बन रहा है और एक रोड के लिए अभी जो कि खुली है और कुछ कुआं उधार जो सरकार की जो योजना है कुछ छठ घर के लिए है, कुछ 4-5 छठ बनाए भी हैं और अभी छठ घर रोड थोड़ी देर से बनने वाला है। और जो भी सरकार की जो राशि आती है हम चाहते हैं कि डॉक्टर पर उसको हम कंप्लीट करें, लोग देखते उस चीज़ को। ये विकास की मुद्दे की बात की, अब मैं आप तमाम दर्शकों को निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि जब जहां पर मैं अभी यहां पर खड़ा हूं और इनसे बातचीत हो रही है, वह जगह जो है कि मैं पहले भी जैसे बताया कि यह धनकौल का पंचायत भवन है, सबसे पहले इस पंचायत भवन में मैं आप तमाम दर्शकों से निश्चित रूप से यह दिखाना चाहता हूँ कि इस पंचायत भवन को जरा एक बार देखिए और देखने के बाद निश्चित रूप से यह आपको आभास होगा, प्रतीत होगा कि बिहार में बहुत कम ही ऐसा पंचायत भवन देखने को मिलेगा। कार्यालय रोजगार सेवक, कार्यालय आवास सहायक, देखिए कि यह कैसा कार्यालय है और कितना बेहतरीन ढंग से यहाँ पर सुसज्जित तरीका से इस कार्यालय को बनाया गया है और इतना बेहतरीन है। निश्चित रूप से मैं इंटीरियर भी दिखाना चाहूंगा, ये आउटलुक है इंटीरियर के बारे में, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जरा सा और थोड़ा सा इस साइड से मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि आप कैमरे को फोल्ड करके हमारे तमाम दर्शकों को निश्चित रूप से दिखावे, जरा सा नीचे से भी दिखावे, फ्लोर को भी दिखावे, फ्लोर को भी दिखावे, जो चेयर लगा हुआ है ये चेयर को भी दिखावे और साथ साथ ये जो गेट है, अब यहाँ से इस गेट को जैसे ही मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए कि ये मुखिया जी का जो है ये चैम्बर है और इस चैम्बर में मुखिया जी जो है कि रहते हैं, यहाँ पर बैठते हैं मुखिया जी, उनका ये हो गया। और बहुत सारे फैसिलिटी है इस पंचायत भवन में, निश्चित रूप से मैं ये वाल जो हो गया है सबको जरा सा दिखाइए, गेट को भी दिखाइए निश्चित रूप से हुआ है। और यहाँ पर हर चीज जैसे देखिए किस प्रकार से कैसे क्या यहाँ पर है, और रसोई घर है, स्नान घर है, देखिए ये पूरा फैसिलिटी जो है कि इस पंचायत भवन में इस प्रकार से है कि अगर 12 बजे रात में, 12 बजे दिन में किसी भी प्रकार से अगर कोई 50 आदमी 100 आदमी भी अगर आ जाए और एट ए टाइम खाने पीने की व्यवस्था जैसे खाना हो बनाना हो तो यहाँ पर रसोइया भी रहते हैं। इस प्रकार से ये फैसिलिटी है, देखा कि इनका जो मुकाम यहाँ पर पहुँचाने का इनके दादाजी का और इनके पापा जी का अहम योगदान है और साथ साथ इनका अपना स्वभाव है और जिसके द्वारा आज इस मुकाम तक यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका नाम का डंका जिला में निश्चित रूप से बजता है और खास करके युवाओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्नेह और प्यार रहता है। जानकारी प्राप्त कराने के बाद में निश्चित रूप से फिर से पुनः दोबारा और किस प्रकार से है ये जो कार्य जिस प्रकार से जो कराते हैं पंचायत में अपने समाज में अपने लोगों को जिस प्रकार से खुशहाल करने की चेष्टा करते हैं हमेशा इसी प्रकार से बने रहें। जैसा कि मैं आप तमाम दर्शक निश्चित रूप से आपने देखा, टेक्नीशियन आलोक गुरु, कैमरा पर्सन मधु के साथ मैं मुकेश झा, देखते रहिए।